What's that thing that really makes you want to get up in the morning? For me, I guess the simplest answer is I like money. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हम सभी जानते हैं कि करंटली इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है, और इसे अट्रैक्शन पॉइंट बनाने में सबसे बड़ा रोल मूवीज और वेब सीरीज का रहा है। 2020 में आई ग्रेट इंडियन वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी ने शेयर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा दिया था। दोस्तों, इसी इंडियन वेब सीरीज की तरह शेयर मार्केट पर बेस्ड कुछ अमेजिंग हॉलीवुड मूवीज और भी हैं जो हर एक यंग इन्वेस्टर को एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट शेयर मार्केट मूवीज इन हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेस मूवीज वाली हमारी वीडियो सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम नॉलेज के साथ साथ एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट ऑफर करने वाली बेस्ट मूवीज के बारे में बात करेंगे। यंग इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है चेजिंग मैडॉफ। ये 2010 में आई एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो एक स्मार्ट स्कैम पर बेस्ड है। ये इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कैम था। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक इन्वेस्टिगेटर ने बर्नी मैडॉफ की पोंजी स्कीम को एक्सपोज करने के लिए अपने 10 साल लगा दिए थे। मैडॉफ ने इस फ्रॉड स्कीम के जरिए अपने इन्वेस्टर्स से लगभग $18 मिलियन ठगे थे। दोस्तों, पोंजी स्कीम वो होती है जहां नए इन्वेस्टर्स के फंड्स से अर्ली इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट देकर सभी इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। हैरी मार्कोपोलोस जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर थे, उन्हीं की बुक पर यह फिल्म बेस्ड है और इन्वेस्टिंग से जुड़ा एक ट्रू स्कैम हमें दिखाती है। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को तो ये स्कैम स्टोरी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 9 पर है द बैंक। ये 2001 में आई थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक इलॉजिकल चीज को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करती है। मार्केट और इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज तो इस फिल्म में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ इंटेंस मोमेंट के जरिए थ्रिल और एंटरटेनमेंट इसमें भरपूर मिलने वाला है। फिल्म की स्टोरी एक ऐसे मैथमेटिशियन को फॉलो करती है जो स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए एक मैथमेटिक फॉर्मूला बना लेता है। दोस्तों, ये चीज सुनने में इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन इस फिल्म में लीड कैरेक्टर इसे पॉसिबल कर दिखाता है। अब इस मैथमेटिक फॉर्मूला का जादू किस हद तक चलता है, ये तो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो इस फिल्म को आप भी ट्राई कीजिए, हो सकता है ये फॉर्मूला आपके भी हाथ लग जाए। नंबर 8 पर है मनी मॉन्स्टर। 2016 में आई ये फिल्म पूरी तरह से शेयर मार्केट पर बेस्ड ना होकर एक इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर स्टोरी पर बेस्ड है। एक यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें आपको मिलने वाली है। फिल्म की स्टोरी एक फाइनेंशियल टीवी शो और उसके होस्ट ली गेट्स को फॉलो करती है। स्टोरी में थ्रिलिंग टर्न तब आता है जब एक एंग्री इन्वेस्टर लाइव शो के दौरान ही स्टूडियो में बवाल मचा देता है। दोस्तों, इस फिल्म के अट्रैक्टिव स्टोरी के साथ साथ लीड स्टार जॉर्ज क्लूनी की अमेजिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो इस फिल्म को आप जरूर ट्राई कीजिए। सोनी पिक्चर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय या रेंट करके आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है रॉक ट्रेडर। ये 1999 में आई एक इंटरेस्टिंग बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म फॉर्मर ब्रोकर निक लीसन की लाइफ पर बेस्ड है और उनकी ट्रेडिंग जर्नी से जुड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करती है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट ब्रोकर ने अकेले ही ब्रिटेन के सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक को बैंकक्रप्ट कर दिया था। दोस्तों, ये ट्रू स्टोरी फिल्म मेनली इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और मार्केट पर बेस्ड है, लेकिन अपनी मेन थीम से हटकर व्यूअर्स को एंटरटेन करने वाले और भी बहुत से अमेजिंग मोमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट और थ्रिल एंजॉय करने के लिए इस फिल्म को आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 पर है मार्जिन कॉल। ये 2011 में आई एक फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म है जिसमें अमेजिंग स्टोरी के साथ ही स्ट्रॉन्ग स्टारकास्ट भी व्यूअर्स को मिलती है। इनफैक्ट इस फिल्म की ग्रेट स्टारकास्ट और उनकी परफॉर्मेंस ही इस फिल्म को बेस्ट बनाती है। फिल्म की स्टोरी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पीरियड में सेट है और एक इन्वेस्टमेंट बैंक के मेन स्टाफ को फॉलो करते हुए 24 आवर्स की एक टेंस्ड और थ्रिलिंग टाइम साइकिल को हमारे सामने रखती है। अब 24 आवर्स के इस टाइम पीरियड में वो बैंकर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे कि ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, ये राज तो फिल्म देखकर आपको पता लगाना है। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है टू बिग टू फेल। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो एक नॉन फिक्शनल बुक टू बिग टू फेल पर बेस्ड है और कुछ ट्रू फाइनेंशियल इवेंट्स हमारे सामने रखती है। स्टोरी 2008 में हुए फाइनेंशियल मेल्टडाउन के इवेंट्स को प्रेजेंट करती है। हेनरी पॉल्सन जो उस टाइम ट्रेजर सेक्रेटरी होते हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनफॉल के दौरान इस टेंस्ड सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते जो ड्रामा, जो इंटेंस थ्रिल जनरेट होता है, वो इस फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है।
तो दोस्तों अगर बेटर ड्रामा के साथ साथ आप 2008 में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस को करीब से देखना चाहते हैं तो इस इंटरेस्टिंग फिल्म को आप जरूर ट्राई कीजिए। 1 hour and 34 minutes की इस फाइनेंशियल बायोपिक को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है इक्विटी। ये 2016 में आई एक फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म है जो हार्डकोर थ्रिलर फैंस के लिए नहीं बल्कि शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखने वाले व्यूअर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। फिल्म की स्टोरी एक एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट बैंकर को फॉलो करती है। इस बोल्ड इन्वेस्टर के ड्रीम्स, इसके गोल्स हाई होते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए और वॉल स्ट्रीट में सबसे टॉप पर पहुंचने के लिए वो काफी स्ट्रगल करती है, लेकिन सडनली एक इंसिडेंट उसके साथ ऐसा होता है जो स्टोरी में थ्रिलिंग चेंज लेकर आता है। ये फिल्म शेयर मार्केट को और एक इन्वेस्टर के एम्बिशंस और उसके डिसीजंस को थोड़ा करीब से दिखाती है, तो शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले दर्शकों को तो इस फिल्म में दोगुना मजा आने वाला है। नंबर 3 पर है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये 2013 में आई एक अमेजिंग ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जो जॉर्डन रॉस बेलफोर्ट की लाइफ पर बेस्ड है। वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और उससे जुड़ी फ्रॉड एक्टिविटीज को काफी करीब से दिखाने की कोशिश करती है। ये फिल्म जॉर्डन बेलफोर्ट की ट्रू स्टोरी हमें दिखाती है और एज अ स्टॉक ब्रोकर उनके राइज एंड फॉल की जर्नी को हमारे सामने रखती है। दोस्तों शेयर मार्केट से जुड़ी सिंपल सी स्टोरी को लियोनार्डो डिकैप्रियो और जोना हिल की अमेजिंग परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग बना देती है। ये पॉपुलर क्राइम कॉमेडी फिल्म हर एक मूवी फैन को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। Amazon Prime पर यह फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है बॉयलर रूम। ये ईयर 2000 में आई एक अमेजिंग क्राइम ड्रामा फिल्म है। इन्वेस्टमेंट, सेल्स और शेयर मार्केट से जुड़े यंग मूवी फैंस के लिए यह इंटेंस फिल्म एक बेस्ट चॉइस है। फिल्म की स्टोरी एक कॉलेज ड्रॉपआउट को फॉलो करती है जिसे एक इन्वेस्टमेंट फर्म में ब्रोकर की जॉब मिल जाती है और यह जॉब तेजी से उसे सफलता की तरफ ले जाती है, लेकिन इस अर्ली सक्सेस के साथ साथ करप्शन और ग्रीड जैसी कुछ नेगेटिविटीज भी उसे फेस करनी पड़ती है। दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी, ग्रेट ड्रामा और अमेजिंग स्टार कास्ट वाली ये फाइनेंशियल क्राइम ड्रामा फिल्म हर एक मूवी फैन का टाइम डिजर्व करती है। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों नंबर 1 पर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस। They were having massive private gains at public loss. A financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? Does that bother you as a hypothetical? No, this is real. I want to help you, Mr. Valentine, with a home of your own. And that was a fake, right? We paid $35,000 for it. An employment with our company. Put that coffee down. We're adding a little something to this month's sales contest. First prize is a Cadillac Eldorado. Second prize is a set of steak knives. Third prize is you're fired. We're going down the drain, okay? Stock is plummeting. When it hits 18, buy it all. Something big is going down. I want you to fill out the missing picture. Mr. Gecko, that's not exactly what I do. Well, you can trade your honor. I can lose my license. Number 1 par hai The Big Short. ये 2015 में आई एक अमेजिंग बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म बहुत ही यूनिक तरीके से अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को और अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है और यही चीज़ इस फिल्म को स्पेशल बनाती है। ये फिल्म मेनली 2007 के हाउसिंग मार्केट क्रैश पर बेस्ड है और इसी क्रैश पर बेस्ड तीन अलग अलग स्टोरीज हमें दिखाती है। US मॉर्गेज मार्केट और हाउसिंग मार्केट से जुड़ी नेगेटिविटीज और करप्शन को भी हमारे सामने रखती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है इसकी स्टार कास्ट, जहां ब्रैड पिट, क्रिश्चियन बेल, स्टीव कारेल और रायन गॉसलिंग जैसे ग्रेट एक्टर्स इस फिल्म को बहुत ही स्पेशल और एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये फाइनेंशियल ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है और सभी यंग इन्वेस्टर्स को ये फिल्म तो एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी बेस्ट बिजनेस मूवीज की लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड वीडियो को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं, तो मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।